और जीत की भी मतलब एडवांस में चुका हूँ। जयप्रदा इसी होटल में ठहरी है और ये होटल 4-स्टार होटल है। माना ये जाता है कि रामपुर जिले का सबसे खूबसूरत होटल है। और सामने की तस्वीर देखिए, द रिवर साइड। इन होटल मैनेजमेंट से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जयप्रदा जी ने कितने रूम यहाँ पर किराए पर लिए हैं या फिर पूरा होटल को उन्होंने चुनाव के लिए किराया किया है, बताएंगे सर जी। सर पूरा होटल कुछ रूम्स में हमने मैम के लिए हमारा होटल की सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज और लोकेशन पर्पज से ये बेस्ट होटल है रामपुर का और 4-स्टार कैटेगरी में, इसलिए हम लोग। किस चीज़ के लिए खास है ये होटल, क्या ऐसा खास है कुछ बताएंगे सर? सर सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सेफ्टी पॉइंट से अच्छा है, सिक्योरिटी पर्पज हमारा बहुत अच्छा है और लोकेशन ऐसा है रामपुर से थोड़ा सा आउट है, ऐसे लोकेशन पे आता है, अच्छा है। ये दीपक कुमार यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, इन्होंने हमें ये साफ कर दिया कि होटल रामपुर जिले में सबसे अच्छा है, अच्छी लोकेशन पे है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत मजबूत है क्योंकि जयप्रदा पर पिछली बार जो अटैक हुए, जो हमले हुए, एक बार जयप्रदा को मोदी होटल भी ठहरने को नहीं मिला। बगल के जिले मुरादाबाद में उन्होंने अपनी रात बिताई, फिर सुबह को आकर रामपुर में तमाम अपने काम निपटाए। तो ये होटल से मैं आपको बता रहा था कि जयप्रदा ने यहाँ पर कुछ रूम्स किराए पर लिए हैं और वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर ठहरी है और अभी अभी वो अपने परिवार के साथ होटल से नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट कराने के लिए पहुँच गई है। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर।